हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है डेविल इन ओहायो। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 47 मिनट के बीच में ही है। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। देखो यार, मूवीज़ और वेब सीरीज़ में एक ही अंतर है कि जहाँ पर एक कहानी को मूवीज़ में 2 से 2.5 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है, वही वेब सीरीज़ में ज़्यादा एपिसोड्स होने की वजह से उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारी मल्टीपल कहानी हमें एक वेब सीरीज़ में देखने को मिलती है, यानी कि पैरेलल प्लॉट लाइन्स देखने को मिलते हैं। बट हर कहानी को मूवी के बदले वेब सीरीज़ बनाना ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी कहानी होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ ही बनती है। बात करेंगे इस पर्टिकुलर शो की, जो कि स्टार्ट होता है एक लड़की से जिसका नाम है मे। किसी से बचकर भाग रही होती है और बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होती है, तब वो रास्ते में किसी से लिफ्ट लेती है और सीधा पहुँच जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पर हमें नज़र आती है डॉक्टर सुजन। डॉक्टर सुजन यहाँ पर मैरिड है पीटर से, जो कि एक रियल इस्टेट एजेंट है। सुजन के 3 बच्चियाँ हैं, हेलेन, जूल्स और डैनी। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब डॉक्टर सुजन मे को अपने साथ अपने घर पर लेके जाती है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर शो। देखो, इस शो में एक ऐसे कल्ट के बारे में बताया है जो कि मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में ही परफॉर्म किया जाता है। वो तो पता है आपको, सैटेनिक यानी कि मॉर्निंग स्टार या तो फिर लूसीफर को खुश करने के लिए। तो उसी तरह का एक कल्ट आपको इस पर्टिकुलर शो में देखने को मिलता है। शो को 3 अलग अलग प्लॉट्स में बांटा गया है। पहला प्लॉट है जहाँ मे नज़र आती है, जो कि सुजन के घर पे जाने के बाद उसकी फैमिली पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है अपना, वो देखकर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वही उसके अलावा यहाँ पर सुजैन की फैमिली में अलग अलग सब प्लॉट देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुजैन जो कि चाहती है किसी भी तरह से मे अपनी एक्चुअल फैमिली से मिल ले, और साथ साथ उसका जो ट्रॉमा है यानी कि मे के साथ जो जो चीज़ें हुई है वो किसी भी तरह से वो भूल जाए। वही दूसरी तरफ सुजैन के जो हस्बैंड है पीटर, वो एक रियल इस्टेट एजेंट है, तो उन्होंने एक घर बनाया जिस घर में उनके अच्छे खासे पैसे लग गए, तो वो चाहते किसी भी तरह से वो घर बिक जाए। वही दूसरी तरफ सुजैन की बेटी जूल चाहती है कि उसके फोटोग्राफ्स कॉलेज की मैगजीन में आ जाए। प्लॉट बी में हमें वो कल्ट वाले नज़र आते जो कि चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से खुद से उनके पास आ जाए, तो वो लोग मौका ढूंढ के उसको फोर्सफुली खींच कर लेकर आ जाएंगे। और प्लॉट सी में हमें एक डिटेक्टिव नज़र आता है जिसका नाम है लोपेस, जो कि इस कल्ट को और इस कल्ट में किस तरह से मे का कनेक्शन है वो हमें ढूंढते हुए नज़र आता है। तो बेसिकली शो को 3 अलग अलग प्लॉट में बांटा तो गया, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया जितना मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशन था इस पर्टिकुलर शो का लेकर, जो मैं काइंड ऑफ बोरियस फील हुआ। अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का एक ही आर्क देखने को मिला, यानी कि सुजैन और डायरेक्टर लोपेस का, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा लगता है कि यार ये किस तरह की राइटिंग है। एंड उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको ठीक ठाक ही लिखा गया है। शो में अगर सस्पेंस की बात करूँ या मिस्ट्री की बात करूँ, तो वो मिस्ट्री और सस्पेंस मुझे कुछ कुछ जगह पे फील हुआ, कुछ कुछ जगह पे मतलब आई वॉज काइंड ऑफ बोरिंग किया, और मतलब ये इतनी सी कहानी को वो लोग इतना रबड़ की तरह क्यों खींच रहे, जबकि इसकी आराम से एक मूवी बन सकती थी। खैर, सिनेमेटोग्राफी शो की अच्छी है, लेकिन कुछ यूनिक हटके देखने को नहीं मिला। इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बहुत सारे मूवीज़ और शोज़ में देखे हैं सिनेमेटोग्राफी के थ्रू, जो कि यहाँ पर मिसिंग लगा मुझे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा शाइन होती है एमिली डिशनल, जो कि अपने रोल को बहुत ही खसब का यहाँ पर प्ले करती है। शो में बीजीएम की बात करूँ तो बीजीएम भी मुझे ओके लगा। तो कम्प्लीटली अगर कहा जाए तो ये एक एवरेज शो है, जो कि नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नेटफ्लिक्स। मुझे लगा डेविल इन ओहायो तो यार कुछ यूनिक हटके होगा जो हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन पूरा शो देखने के बाद ये वही टिपिकल सी मूवी या शो बनकर रहेगा जो कल्ट पर बन चुके हैं पहले भी। आप लोग को अगर देखना है तो देखो, अगर स्टार्टिंग के 4 एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप भी कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूँगा, शो में कुछ ऐसा अश्लील नहीं है इतना ज़्यादा कि मतलब आप लोग ना देख सको। अब मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।